फॉर मेकिंग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के हेल्थ के बारे में एक ग्लिम्स देते हैं और ये प्री चेक अनड्यू रिस्क से बचने और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने में मदद करता है। प्रोफेशनल्स जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में माहिर होते हैं, लेकिन अगर आप इस फील्ड में न्यू है, देन लर्निंग हाउ टू रीड दिस स्टेटमेंट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। लेकिन मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स ये नहीं जानते कि उन्हें शुरू कहां से करना है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट हाउ टू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्टली, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सिंपली पुट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंपनी की नो हाउस है जिसमें नंबर्स के थ्रू से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और बिजनेस ट्रेंड्स कन्वे किया जाता है। आमतौर पर कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस पर तैयार करती है। ये स्टेटमेंट्स जनरली ऑडिटर्स द्वारा ऑडिट किए जाने के बाद रेगुलेटर्स द्वारा अप्रूव की जाती है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार किए गए हैं और बिजनेस एक्टिविटीज का फेयर रिप्रेजेंटेशन हुआ है। मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज द इनकम स्टेटमेंट, सेकेंड इज द बैलेंस शीट एंड लास्टली द कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट की अपनी यूटिलिटी होती है और बिजनेस के बारे में कुछ यूनिक चीज बताती है। We will quickly dive into these statements ताकि समझ में आए कि कंपनी अपना करंट स्टेटस किस तरह से प्रेजेंट करता है। एक कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को इंडिविजुअल लेवल या फिर इंडस्ट्री लेवल पर समझने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होना काफी जरूरी है। चलिए देखते हैं कि हर स्टेटमेंट को किस तरह से समझा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इनकम स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करें? As the name indicates, ये आपको बताता है कि कंपनी ने ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड कितनी इनकम जनरेट की है। इट इज ऑल्सो नोन एज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसमें कंपनी द्वारा कमाई गई सभी सोर्सेज ऑफ इनकम और कंपनी द्वारा किए गए सभी खर्चों की जानकारी होती है। कंपनी के फंक्शनिंग के बारे में जानकारी देने के लिए इनकम स्टेटमेंट अलग अलग लेवल्स ऑफ अर्निंग्स का इन्वेस्टर्स को एक ओवरव्यू प्रोवाइड करती है। So let's discuss the main line items of the income statement. First and foremost is the revenue. एक figure जिससे पता चलता है कि company ने अपने products और services बेचकर कितनी income generate की है. Next is the expenses. Company कई प्रकार के expenses करती है. कुछ operating expenses होते हैं और कुछ non-operating expenses. Expenses COGS या फिर other non-operating expenses में classify किए जाते हैं. Next is COGS, that is the cost of goods sold. ये cost component दिखाता है कि कंपनी अपने बेचे हुए goods और services के लिए कितना cost incur करती है. Next is the gross profit. ये revenue से COGS को deduct करने के बाद मिलता है. ये एक बहुत ही important metric है जिससे कंपनी की profitability को gross level पर measure किया जा सकता है. Next है EBIT. Also known as the earnings before interest and taxes, इस फिगर पे अराइव करने के लिए इंटरेस्ट और टैक्सेस के अलावा सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया जाता है। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। लास्टली द नेट इनकम, ये आपको बताता है कि कंपनी के सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद कितनी इनकम जनरेट हुई है। एक पॉजिटिव फिगर ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने में सक्सेसफुल रही है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू एनालाइज अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको कंपनी की हेल्थ के बारे में आइडिया देता है। बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक डेट के लिए होता है और ये उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। इसमें कंपनी की बुक वैल्यू को भी डिपिक्ट किया जाता है। एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी बैलेंस शीट के मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन द एसेट्स। एसेट्स आर एनीथिंग दैट अ कंपनी ओन्स जिसकी एक क्वांटिफाइबल वैल्यू है। एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, गुडविल एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज द लायबिलिटीज। दिस शोज व्हाट अ कंपनी ओव्स। ये बाइफर्केट किया जा सकता है इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। फॉर एग्जांपल, शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, money owed to the creditors, etc. And lastly, equity.
This is an amount that is left after subtracting the assets from the liabilities. Ye amount generally belong karta hai to the investors and the owners. Now moving on to the next question, how to analyze a cash flow statement? इस स्टेटमेंट के नाम से ही पता चलता है कि ये स्टेटमेंट आपको बताता है कि कंपनी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग लेवल्स पर कैश जनरेट कर रही है या नहीं। ये स्टेटमेंट कंपनी की एबिलिटी को डिपिक्ट करता है कि वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस पर बिजनेस रन कर सकती है बेस्ड ऑन हाउ मच कैश इज फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ इट। लेट्स स्टार्ट विद डिस्कसिंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। This gives you an idea कि कंपनी का ऑपरेटिंग लेवल पर कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं टू रन इट्स रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ये कंपनी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर कैश के सोर्सेज और यूजेस को इंडिकेट करता है। एंड लास्टली द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। इसमें फाइनेंसिंग सोर्सेज जैसे कि डेट और कैश पेड टू द शेयर होल्डर्स इंक्लूडेड रहते हैं। While you got a glimpse of how these three financial statements look like, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये तीनों statements एक दूसरे से interconnected हैं। इन तीनों statements के अलावा भी कुछ ratios हैं जिनकी मदद से company के health का analysis किया जा सकता है। ये ratios investor को deep insights provide करते हैं और ये investment opportunities evaluate करने और existing investments track करने में भी बहुत ज़्यादा helpful होते हैं। Investment and securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.